Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Sizzling Dine. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे और सूजी के पराठे, बहुत ही ईजी और मज़ेदार। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में लिया है मैदा। सूजी और सॉल्ट और इसको अब मैं पानी से गूंद लूंगी। ना ही बहुत सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम, मुनासिब साइज़ को मैं गूंद लूँगी। फिर मैं ऐड कर दूँगी मेल्टेड घी और गूंद लूँगी। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए और उसके बाद इसको मैं दोबारा से गूंद लूँगी। अब जो डो है वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। मैंने लगाया है इसके ऊपर मेल्टेड घी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 30-35 मिनट्स के लिए और उसके बाद इसके पराठे बनाऊँगी। मिनट्स हो चुके हैं और मैंने काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लिए। अब मैं अपनी डो जो है वो काउंटर पे निकाल लूँगी। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। अब मैं इसको बेल लूँगी और थोड़ा सा बेलने के बाद मैं इसके ऊपर घी लगाऊँगी और फिर सेंटर से कट करके इसका पेड़ा बना लूँगी। ये थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम हो गया था, लेकिन इसको मैंने क्या किया है कि इसकी लेयर्स जो है वो थोड़ी सी मैंने खोली है और फिर मैंने इसको प्रेस कर लिया। वो जो कोन थी उसको मैंने ऊपर से प्रेस कर लिया तो ये पेड़ा बन गया। अब हाथ की हेल्प से मैं इसको जितना हो सकेगा बड़ा करूँगी और उसके बाद फिर एक दफ़ा रोल कर लूँगी। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर तवे को मैंने घी से ग्रीस करके, जब ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर घी डालूँगी और इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और ये क्रिस्पी और मज़ेदार सूजी और मैदे के पराठे रेडी हैं। सूजी की वजह से ये बहुत ही क्रिस्प बनते हैं,
उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।